हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार प्रोफेसर बोल रहे सैनी साहब? अरे मैं सैनी नहीं हूँ, बोलो कौन सी बात करनी है। मैं कौन हूँ आप? बाईकास्ट सैनी वंश नहीं का इतिहास पूछना था आपसे। ये कहो कि आप कहाँ से बोल रहे हो। मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय महासभा से नंदकिशोर सैनी बोल रहा हूँ, गुड़गांव से। तुम्हें मेरा नाम किसी ने बताया? मुझे किसी जानकार नहीं दिया ग्रुप में, आपने दिया होगा किसी को नंबर। अच्छा तो सुसैनी क्षत्रिय महासभा कौन सी है भाई गुड़गांव में? गुड़गांव में मैं बोल रहा हूँ ना, क्षत्रिय महासभा से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ मैं यही जानना चाह रहा था कि भाई क्या इतिहास के बारे में किसी से चर्चा की होगी, तो आपने कहा होगा भाई हम बता देंगे सैनी चंद्रवंशी है, ऐसा किसी से बात हुई थी क्या आपकी? हाँ होती है, हमारे निवे में बहुत सारे मित्र हैं सैनी, अच्छा अम्बाला सैनी। के पंजाब हाँ के हाँ बहुत हाँ हैं। हाँ नहीं तो आप किस कास्ट से, मैं जान सकता हूँ क्या? मैं जादौन। जादौन? तो ये किस कास्ट में आते हैं? ये तो गोत्र है। गोत्र नहीं है ये, जादौन यदुवंशी होते हैं। क्षत्रिय नहीं तो किस कास्ट में आते हैं ये? ठाकुर राजपूत कह हाँ लो, क्षत्रिय। क्षत्रिय। क्षत्रिय तो एक वर्ण है, उसमें बहुत सारी जाति आती है, बहुत सारे लोग हैं, जितना किसान वर्ग है सारे क्षत्रिय हैं। वो तो अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक में है। मैं जानता नहीं था, मैं गोत्र समझ रहा था। तो ये खाफ है, एक वंश है मतलब। हाँ तो आप में क्या कोई प्रूफ है या उन्हीं से सुनी हुई बात कह रहे हैं आप? अरे प्रूफ क्या है भाई, वो पंजाब में और हरियाणा में ये सैनी है, ये यदुवंश की एक शाखा है सूर सैनी, सब ये मथुरा से नहीं माइग्रेट हुए हाँ हैं। माइग्रेट हुए मथुरा से, बिल्कुल हुए हैं, लेकिन सूर्यवंशी हैं, भगवान नहीं राम। ये गलत, ये गलत, नहीं बिल्कुल गलत उसका उसका प्रूफ दो ना फिर ये कहने से। भाई। तो देखो सुनो, आप अरे एक जो मेरे जाने तुम चंद्रवंशी बनो सूर्यवंशी बनो, मेरे को इससे तो कोई लेना आपने देना कैसे कह नहीं दिया है। कि हाँ प्रूफ है मेरे साथ? जो मैं कह मैंने रहा हूँ, आपसे, सुनो पहले, आपसे मैं जो मैं कह रहा हूँ वो हाँ प्रूफेबल है, हर जगह कहाँ पे सुरसैनी कहाँ चंद्रवंश की शाखा है, किस सुरसैनी चंद्रवंश की शाखा है, आप सिद्ध बाकी मेरे करोगे इस सही बात में को? कौन से। आप अरे यार सिद्ध मुझे करोगे? तुमसे कैसे क्या लेना देना है ना, मेरे जाने कुछ भी बन जाए नहीं मेरे लेना? कोई आप मतलब मेरे नहीं। वंश में बात करोगे? कैसे नहीं लेना? तुम होते कौन वंश मैं वाले, तुम होता कोई क्यों? मैं नंदकिशोर सैनी ठेकेदार बोल रहा हूँ, होता कौन हूँ? हो क्या? कैसे आप मेरे तुमसे समाज बड़े में बड़े आके लोग मेरे साथ विचारधारा हैं, गलत करोगे? किसने अधिकार दिया तुम्हें? तुमको किसने अधिकार दिया? मैं तो मेरे चंद्रवंश कुल ने वंश मुझे, में तो मेरे समाज ने मुझे अधिकार दिया, जिसने मुझे ऐसा है। मेरे बनाया। से फालतू की बात मत फालतू की करो, बात नहीं, मैं आप या तो सिद्ध करो या ये बात कहनी बंद करो, समाज में विचारधारा गलत मत फैलाओ, या कौन तो सी आप विचारधारा? जहाँ कहते हैं हम आ जाते हैं आपके पास। प्यार से बैठ के बात करने की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे आप को गुस्सा तुम्हारी दिला रहे हो। जरूरत ही नहीं है। मैं सैनियों की बात ही नहीं कर रहा, मैं सूरसेन की बात करता हाँ हूँ। और तो सूरसेनी जो है, सूरसेन सैनी था ठीक है ना? सूरसेन कृष्ण के वंशज हैं, अरे सूरसेनी कृष्ण के वंशज हैं। कितने सूरसेन हुए, क्या जानते हो सूरसेन के बारे में? कितने तुमसे सूरसेन हुए मथुरा में? ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ और तुम हाँ मेरे आगे मेरे कहीं नहीं लगते मेरे हो से भाई। पढ़े लिखे नहीं होंगे, तुम सुनो ज्यादा, मेरी तुम बात, ऐसा है, सुनो, सुनो मेरी बात, पढ़ाई तुम मेरे लिखाई। आगे कहीं नहीं लगते हो भाई, तुम मुझे पढ़े लिखे लग ही नहीं रहे अरे हो। मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान अलग है, सामाजिक ज्ञान आप पढ़ाते हो, डॉक्टरी कर लोगे, इंजीनियर कर नहीं लोगे, आप पढ़ाई का क्या कह रहे हो? हथलाइन का अलग ज्ञान है, उसमें क्या तुम्हें बात ज्ञान कह ही रहे हो? नहीं है, तुम तो मैं पॉलिटिकल बोल भाषा बोल रहे हो, पॉलिटिकल नहीं बोल रहा, मैं आराम से आपसे प्यार पॉलिटिकल से भाषा बात बोल कर रहे रहा हो। हूँ। और तुमको नंबर किसने दिया पहले मुझे उस आदमी का नाम बताओ, मैं उससे बात करूंगा। कैसे आदमी को मेरा नंबर दे मेरे दिया, से तुम मेरे जहां कोई स्तर के अगर हो, तुमसे मैं बात अगर करूंगा? क्यों नहीं करोगे, क्यों हाँ नहीं करोगे, कैसे नहीं करेंगे? बोलो। हेलो ऐसा है मेरे से बात करो तो तहजीब तरीके से करो, नहीं मेरे मेरे इस तरह के नहीं हो तुम, मैं अच्छा ये तुमसे बात बताओ, करूं? मैंने आपसे कौन सी नहीं बदतमीजी करी तुम्हारा है? वे ऑफ टॉकिंग ही गलत है। टॉपिंग क्यों गलत है? मैंने तो नहीं आपसे टॉकिंग, पूछा, जब जो चीज तुमने, मैं अपनी कोई बात, ये तो मैं तुम्हारा उस वजह से मैंने तुम्हारा फोन उठा लिया कि वो मेरे सैनी सबरे मित्र हैं, लेकिन हाँ तुम्हारी भाषा में और उनकी भाषा में तो जमीन आसमान का नहीं तो अंतर है। मैंने आपसे क्या गलत बोला ये तो नहीं बताओ। आपने तुम्हारी मुझे वे गुस्सा ऑफ दिलाया, कूलिंग, किसकी मैन सिंह नहीं है? तंवर को जानते हो? मैन सिंह तंवर को जानते हो? तवर को मैं जिसका नाम लूंगा सबको तुम जानते हो क्या? फिर नहीं उल्टी बात तुम्हारी कर रहे हो, क्षत्रिय कह रहे हो मैं महासभा है, पढ़ा जो लिखा तुम जो हूँ। क्षत्रिय महासभा की बात कह रहे, क्षत्रिय अरे महासभा का हमारी अध्यक्ष इस वे में बात नहीं करता। हमारी क्षत्रिय महासभा में राजपूत नहीं आते, पहली बात।
हमारी राजपूत कौन कह रहा, हम तो सैनिक कह रहे, मैंने अपना नाम दिया पहले आपको, सैनिक बोल रहा हूँ, हमारी उस कैटेगरी में नहीं आते हो आप। मैं ये कह रहा हूँ हम आपकी कैटेगरी में ना आते ना हम आना चाहते, ठीक है जी माननीय। हम ये कह रहे हैं आप जो सैनियों में ज्ञान का भंडार करते हो ना भाई, तुम यदुवंशी हो तुम राजपूत हो, तो ये चीजें गलत फैलानी बंद करो, मैं ये कह रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम क्या शो करना चाह रहे हो तुम? हम सैनी है, सूर सैनियों की बात कर रहा हूँ, हम सूर सैनी है, राम के वंश के सैनी है हम। वो हो गए तुम राम के वंश, हाँ। तुमने कहीं पढ़ा होगा मेरी कैटेगरी मेरे उसमें, तो आप आपसे हम मिलने की कह रहे हैं ना, आप बताओ क्या। मैं तुमसे क्या मिलूंगा, मैं तुमसे क्यों मिलूं, क्या मिलूं तुम्हें मिलना है? तुम अपनी बिरादरी को रोको, हेलो, अरे सुनो, तुम अपनी बिरादरी को रोको, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरी बिरादरी में मत जाना, गलत प्रचार मत करना, हमें आपसे कोई एलर्जी नहीं, आप अपनी बिरादरी में खूब जाओ, खूब प्रचार करो। बिरादरी से मुझे कौन सा लेना देना तुम्हारी बिरादरी की? रिपोर्ट आई है कि भाई ये आदमी आके कहता कि ये सारे जो सूरसेनी हैं ये सारे जादोन हैं, राजपूत के हैं, ये बात आपकी तरफ से आई है? मैं इसीलिए आपको फोन किया है, इससे आई है, आप समय दो हम उसको भी लेके आएंगे। ऐसा है, हाँ, मैं सूरसेनी मथुरा की शाखा की बात कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम राम की शाखा कौन सी है। गुरु जी, जो सूरसेनी है मथुरा वाले, हम पे पूरे एविडेंस है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था राम के वंशज कौन है, तो 200 विद्वान साइंटिस्ट ऋषि मुनि इतिहासकारों ने रिसर्च करके ये बता दिया राम के वंश कुशवा सैनी शाक्य मौर्य है। उन्होंने वे बेकूफ तो नहीं होंगे, जो होंगे नहीं, ऐसा आप तो पढ़े लिखे हो ना, कह रहे हो जो तुम कह रहे हो उसे मैं समझ रहा हूँ। अरे लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप तो पढ़े लिखे हो, अगर आपने कोई रिसर्च करके प्रोफेसर बच्चों को आप समझा रहे हो तो कोई मान्य है ना उस बात की, कुछ ऑथेंटिक है ना, तो जो न्यूज चैनल पे बैठ के जिन्होंने रिसर्च किया उसकी कोई वैल्यू तो होगी। और आप महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, विष्णु पुराण पढ़ लो, गरुड़ पुराण पढ़ लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ लो, बौद्ध साहित्य पढ़ लो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सैनी शाक्य कुशवा मौर्य जो है सूर्य वंशी क्षत्रिय भगवान श्री राम के वंशज हैं। मैं सैनियों की बात नहीं कर रहा, मैं सूरसेन देश की बात कर रहा हूँ। सूरसेन के सूरसेन देश के जो रहने वाले थे वो सूरसेनी थे, वो यदुवंशी थे, और सूरसेन प्रदेश मथुरा वाले एरिया को सूरसेन प्रदेश कहते थे। हाँ, इसके पास मेरे पास प्रमाण है, कहते मैं सिद्ध कर दूंगा। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वही सब सैनी थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप सूरसेन प्रदेश की बात कर रहे हो ना, जैसे आप सूरसेन में सारे रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव था तो यादवों की सरकार कहते थे जब सपा की सरकार थी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही यादव हो गए, वहाँ और कोई रहता ही नहीं है। तो जिस तरह सूरसेन जी का शासन था वहाँ सैनी कुल उनके ही वंशज लोग सैनी लिखते थे, अदर कास्ट कोई नहीं लिखती थी। हमारा कहना ये है, आप ये सिद्ध करो अब भाई, वहाँ जो सब लोग रहते थे वे सभी सैनी थे, ये सिद्ध करो। सभी कैसे, सबको कैसे कह दूंगा, जो सूरसेन के वंशज थे वो सूरसेनी थे। हाँ तो वो है, हम इस बात का तो कोई रोला ही नहीं है। आप ये क्यों फिर कहते हो कि भाई ये चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी कहाँ से आ गए सैनी भाई? सूरसेनी, अरे मैं कह रहा हूँ सूरसेनी चंद्रवंशी हैं, इसमें तो इसको प्रूफ करो ना, इसको प्रूफ करो हमें। हम कह रहे हम सूरसेनी जो है सूर्यवंशी है, आप कह रहे कि आप कहते हो कि चंद्रवंशी है, यही तो रोला है हमारा आपका। ऐसा है, सुनो, हाँ मेरी बात सुनो जी, अभी तुम पढ़ना, मैं पैसा है, मेरी बात सुनो हाँ, जो तुम जो लिंक लगा रहे हो, हाँ, के शत्रुघ्न का शासन रहा मथुरा पे, बिल्कुल रहे, हाँ, लेकिन वो सूरसेन शत्रुघ्न के बेटे का नाम था सुबाहु, सुबाहु और सूरसेन दो बेटे थे। हाँ, सूरसेन मथुरा का शासक नहीं था, मथुरा का शासक नहीं था, मथुरा को गलत लिख दिया है। गलत क्यों लिख दिया? रामायण को मानते हो आप, हिंदू धर्म को मानते हो? अरे फिर सुन तो लो, हाँ सुबाहु, अब वो तुम अपना तर्क देना, मुझे उससे कोई वो नहीं है, और मेरे जाने तुम कुछ भी बन जाओ। फिर सुबाहु को फिर यदुवंशियों ने भगा दिया, हाँ समझे, और बहुत
पूरा शासन जो है अंधक प्रांत ने फिर कब्जा कर लिया। मतलब बहुत बाद में, बहुत बाद में जब त्रेता युग खत्म हुआ था, द्वापर शुरू होने वाला था। मुझे मत बात समझाओ यार, हाँ। मेरी बात सुन लो, हाँ। चाहे राम के बनो चाहे सूरज के बनो, मुझे हाँ। कोई मतलब नहीं है। मैं बात नहीं, बने क्यों है उसमें, मैं कृष्ण की बात कह रहा हूँ। और इसमें भी कंट्रोवर्सी है, सूरसेन प्रदेश जो है राजा सूरसेन के नाम पे पड़ा, लेकिन सूरसेन वो सूरसेन शत्रुघ्न वाला नहीं था, शत्रुघ्न का नहीं। बताओ कब आए आपके पास, आप प्रूफ करो इस बात को। मुझे जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप फिर क्यों गलत बात फैला रहे हो? मैं गलत नहीं फैला रहा, मैं मेरा नहीं तो है, आप मेरे घर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप नहीं बुलाना चाहते तो आप आओ, मैं दिखाता हूँ भाई। मेरे को जब तुम राजपूती नहीं तो मेरा तुमसे बात करने का, नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ आप, लेकिन तो जो हमारे लोगों को सैनियों को राजपूतों पे लिखता हूँ, ये तो राजपूत कोई सैनी नहीं है। सुनो, कोई सैनी राजपूत नहीं है। आप हमारे सैनियों का गलत प्रचार करते हो, सैनी छत्री है, हाँ है बिल्कुल सैनी छत्री है, क्षत्रिय सैनी मथुरा में, मथुरा से पहले पंजाब में। क्षत्रिय क्षत्रिय का मतलब क्या मान रहे हैं आप? क्षत्रिय क्या राजपूत ही है और नहीं है? मेरे पास कोई आए हैं, मैं बात कर रहा हूँ, बाद में बात करना। हाँ करना बात।